आज मैं फिर आपके साथ आपके पास आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मैं अमित मौर्य मैं आज कुछ टॉपिक पढ़ाऊं पहले सिखाऊं तो उसके पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे पहले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, इतना आपने इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत एनर्जी मिला मुझे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपके लिए, कुछ सिखाऊं। तो आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं, स्क्वायर निकालना। कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो आज सीखेंगे। जी हां, आज सीखेंगे हम कैसे जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, स्क्वायर जो आपको यहां दिख रहा है बोर्ड पे, कि कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। जी हां, कैसे जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो गौर फरमाना है, देखना है ध्यान से, जरूर समझ में आएगा। जैसे कि आपने पहले वीडियो में इतना सारा प्यार दिया था, उम्मीद करते इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलेगा। आज बढ़िया से, बहुत बढ़िया से सिखाएंगे स्क्वायर निकालना, तो देखना है गौर से, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर। तो देखिए, बात समझना है पहले कि स्क्वायर तो निकालना है, हमें स्क्वायर तो निकालना है, लेकिन जैसे कोई चीजों को आसान करना होता है तो पहले बेस बनाना पड़ता है, वैसे ही आप बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालें, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें, तो उससे पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा, बेस तैयार करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहां पे कुछ स्क्वायर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको याद करने होंगे, याद रखने होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी कंपटीशन के लाइन में है, इतना तो याद सबको होता ही है, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर सभी को याद होता है, और थोड़ा जिनको याद नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है। ये आपको बस यहां से लेकर 25 तक स्क्वायर याद रखना है। अगर आप 25 तक का स्क्वायर याद रखते हैं, आगे का स्क्वायर कैसे निकालना है वो हम सिखाएंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। तो ध्यान देना है कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसमें हेडिंग टू हेडिंग करके पढ़ेंगे, जिसे समझने में बहुत आसान हो, आपको सीखने में बहुत आसान हो। तो पहला जो हम लोग हेडिंग देंगे वो देंगे 100 से अधिक, जब 100 से अबव के नंबर हो और उसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, तो गौर फरमाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हेडिंग हमारा जो होगा वो क्या होगा, 100 से अधिक। जी हां, 100 से अधिक, 100 से अबव वाले नंबर का स्क्वायर निकालना कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, देखना है कि हेडिंग क्या है, 100 से अधिक, तो 100 से अधिक नंबर कैसे हो गए, 102, ये क्या है, 100 से अधिक है और इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर देखिए, आप लोग अभी यही जानते हैं कि स्क्वायर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 102 into 102, दो बार इंटू कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा, लेकिन इसमें टाइम लगते हैं, और आपको पता है कंप्यूटर लाइन में टाइम का ही खेल है, टाइम पे जब तक अपना सेटलमेंट नहीं करेंगे, टाइम का इशू को दूर नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम निकाल पाना बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको गौर करना है कि ऐसे करके बहुत ज्यादा टाइम किल होगा, हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो गौर फरमाइए, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी तरीका सिखाएंगे आप, ऐसे, जी हां ऐसे कर सकते हैं। गौर कीजिएगा कि 102 का स्क्वायर निकालना है जो कि मेरा 100 से अधिक है, 100 से कितना अधिक है, जी हाँ कितना, तो देखिएगा 100 से 2 अधिक है, क्योंकि 102, 100 से कितना अधिक होता है, 2 अधिक होता है, तो 2 अधिक होता है, जो अधिक है मतलब जो ज्यादा है उसका आपको स्क्वायर कर देना है। 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, देख लीजिए यहां पे 2 का स्क्वायर 4, आपको इसको याद रख लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो 2 का स्क्वायर 4 कर दिया हमने, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब गौर समझना है, गौर से समझना है कि हमने स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन हमेशा जो लिखना है स्क्वायर करने के बाद, 2 अंक में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो देखिए यहां पे तो आया 1 डिजिट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां 0 बैठा देना पड़ेगा, क्या करनी होगी, 0, 100 से ज्यादा था उसका हमने स्क्वायर किया, 4 आया, ये 1 अंक में था इसलिए हमने 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 बैठा दिया, 0 4 हो गया, इतना कर दिया हमने, इतना समझ में तो आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या करना है, कि जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 2, तो जितना ज्यादा है इसी नंबर में प्लस कर देना है, 102 था पहले से और 2 ही इसमें प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये, 104, बस यहां इसके नीचे लिख दीजिए,
10,404, ये क्या हो गया, 102 का स्क्वायर हो गया। कितना इजी कर पाए आप, देखिए एक और नंबर लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो पाए। जैसे हमने ले लिया 103 का स्क्वायर निकालना है, 103 का स्क्वायर निकालना है। अब 103 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 100 से कितना, 3, जी हां 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और हमने कहा था हमेशा दो अंक में लिखना है, ये आया एक अंक में, हम 09 कर देंगे, बढ़िया है। अब जितना ज्यादा है उसमें हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाता है, बस लिख दीजिए, हो गया मेरा। बात समझ में आ रही होगी आपको। और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 106। बस आपको हेडिंग पे फोकस करना है, हेडिंग क्या है, 100 से ज्यादा, कितना ज्यादा है ये, 6 ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है, मतलब 6 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लेना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि हम लोग जीरो बैठाएंगे यहां पे, नहीं, क्यों नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये टू डिजिट में आ चुके हैं, दो अंक में आ चुके हैं। हमने कहा जीरो तब बैठाएंगे जब वो वन डिजिट में आएगा, लेकिन ये टू डिजिट में ऑलरेडी है तो जीरो नहीं बैठाएंगे। बस 6 का स्क्वायर 36 होता है, लिख दिया हमने। अब नंबर जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको हम लोग प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, क्लियर है फंडा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और नंबर बड़ा लेते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 109 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना ज्यादा है, जी हां 9, जी हां 9 ज्यादा है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 81 होता है, हमने 81 कर दिया, दो अंक में है तो हमको जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना ज्यादा उसमें प्लस कर दीजिए, 109 है और 109 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 118, मतलब 11,881 हमारा स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा होगा। और बड़ा नंबर जाते हैं, और बड़ा नंबर जाते हैं, देख लीजिए यहां पे अगर हम ले लेते हैं 112 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है, 12, 12 ज्यादा है, गौर फरमाइएगा, 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, क्या होता है, 144 होता है। आप देख लीजिए यहां पर 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर थ्री डिजिट में है, 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये थ्री डिजिट में है। और हमने आपको क्या कहा कि हमेशा दो अंक लिखना है, इस बार तीन अंक में आ गया, जब एक अंक में आया जीरो लगा दिया हमने, दो अंक बन गया, लेकिन जब दो अंक में आया तो सीधे लिख दिया, लेकिन जब तीन अंक में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो हमको सिर्फ टू डिजिट ही, जो हमने कमिटमेंट किया है वही करना है, सिर्फ टू डिजिट ही लिखना है, दो अंक ही लिखना है, तो इसके दो अंक को लिख देना यहां पर 4, 4। अब ये जो बच जाएंगे ना, ये कैरी होगा, क्या होगा हमारा, कैरी होगा। तो ये वन छोड़ दिया हमने, 44 यहां लिख दिया हमने। अब गौर करने की जरूरत है, 112, 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो गया, लेकिन यहां पे कैरी था ना, तो 124 और 125। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, जी आ रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, गौर फरमाना है, और हम बड़ा नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 116 का स्क्वायर, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 होता है। तो गौर फरमाइए, देखिए यहां पे 16 का स्क्वायर 256 होता है, आपको जितना अच्छा ये याद होगा ना उतना ही जल्दी कर पाएंगे, ऐसे ऐसे, जी हां ऐसे ऐसे कर पाएंगे। गौर फरमाइएगा कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, तो हमको तो लिखना है सिर्फ टू डिजिट, तो हमने लिखा 56, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब कितना ज्यादा, ये 16 ज्यादा है, 16 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 132 हो जाएगा, और 32 में दो कैरी हो जाएगा, तो 132 और 2 134 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छी तरह समझ में आपको आ गया, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मन में सवाल ये आ रहे होंगे कि सर 156 का निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 56 का स्क्वायर तो आपको याद है नहीं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब सीखेंगे और बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखें, फल मीठा होगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गौर फरमाइएगा यहां पे फिर से ही,
सब सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं 100 से अधिक और जितना अपना कैपेसिटी है अभी वहीं तक जाएंगे। हमको 25 तक स्क्वायर याद है, हम वहीं तक बढ़ेंगे, लेकिन हम निकालना जहां तक चाहे वहां तक निकाल सकते हैं। बस धीमे धीमे देखते जाइए, पूरा वीडियो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। गौर फरमाएंगे आगे, अगर हमको निकालना हो 118 का स्क्वायर, कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। आप गौर कीजिए, यहां दिखेगा 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। हमने 24 लेना है यहां पे, और ये 3 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। जितना ज्यादा है प्लस कर देंगे, 136 हो जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा, तो 139, मतलब 13924 हो गया। ये समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो करेंगे हम लोग, अगला हेडिंग जो होगा वो 100 से कम। अगला हेडिंग क्या होगा हमारा? 100 से कम, क्योंकि अभी जो हमने सीखा वो 100 का ऊपर का सीखा है ना। लेकिन हमको स्क्वायर कहां तक याद है? सिर्फ 25 तक स्क्वायर याद है, तो 25 के आगे वाला भी तो काम करना है ना। तो इसलिए हेडिंग को चेंज करेंगे, 100 से कम लेंगे। अब 100 से कम लेंगे तो नंबर क्या हो सकता है 100 से कम? मेरा 98 हो सकता है। अब 98 का स्क्वायर निकालना है। अब 98 × 98 करेंगे तो समझ सकते हैं कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा। लेकिन बहुत इजी, ऐसे ऐसे, जी हां ऐसे, कैसे? देखिए यहां पे कैसे कर सकते हैं। ये क्या है? 98 है और हेडिंग क्या चल रहा है? 100 से कम। तो 100 से कितना कम है? कितना? जी हां, देखिए 2 कम है। 100 से कितना कम है? ये 2। तो जितना कम है, जब हम पढ़ रहे थे 100 से ज्यादा, तो जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर कर रहे थे। अभी 100 से कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। 100 से कितना कम है? ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये फिर वन डिजिट में आया। हमने एक बार कमिटमेंट कर चुके हैं कि हमेशा 2 डिजिट में करना है। कितना? 2 डिजिट आया। कितना है? 1 डिजिट। हमको क्या करना है? आगे 0 बैठा देना है। हो गया काम मेरा 04, तो 2 डिजिट में हो गया मेरा ये। अब गौर फरमाने जो थे कि जब ज्यादा था तो प्लस करते थे, अब यहां पे क्या है? 100 से कितना कम है? 2 कम है। 100 से कितना कम है? 2 कम है। जितना कम है तो माइनस कर देंगे। जब ज्यादा था तो प्लस कर रहे थे ना, अब कम है तो माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9604, मतलब 9604। ये हमारा स्क्वायर निकल गया 100 से कम वाला। और कर सकते हैं, गौर कीजिएगा, यहां पे हमने ले लिया 94 का स्क्वायर। अब ये 100 से कितना कम है? 94 100 से 6 कम है, 6 कम है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 36। अब ये 2 अंक में है, 0 बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट में आ चुका है हमारा। ठीक है, अब ध्यान देना, 100 से कितना कम है? 6 कम है, और 6 कम है तो 6 इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा? क्लियर हो रहा फंडा? समझ में आ रहा है? जब हमको जोड़ना अधिक था तो जोड़ना पड़ रहा था, कम है तो घटाना पड़ेगा। बस यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट एक ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं आएगा। बस गौर से देखना यहां पे आपको। और नंबर लेते हैं हम, 92 को लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम? 8 कम। कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 64 हो गया, 64 हो गया। अब ये 100 से 8 कम है तो 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये क्या होगा हमारा? 84 64 होगा। 92 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 92 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 84 बचेगा। 92 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 84 बचेगा, मतलब 84 64 हो जाएगा। क्लियर फंडा? ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे और नंबर लेते हैं हम लोग। जैसे हमको निकालना है 88 का स्क्वायर निकालना है। अब 88 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम हो गया? ये 12 कम हो गया। 100 से कितना कम हो गया? ये 12 कम हो गया। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब ये 3 डिजिट में आ गया ना हमारा, तो 3 डिजिट में है, हमको लेना सिर्फ 2 ही तो है, तो हम लिखेंगे यहां पे 44। अब ये क्या होगा हमारा? कैरी हो जाएगा। देखिए यहां पे 100 से कितना कम है? ये 12 कम है। 12 कम है तो क्या करेंगे? 12 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा इधर, और इधर 7 हो जाएगा, तो 76, और कैरी 1 है तो 77। कैरी हमेशा प्लस होता है, इसलिए आपको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर फंडा? तो आप एक सवाल करेंगे, सर अगर हमको निकालना हो 56 का,
तो सर 56 का निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 100 से 56 कितना कम हो जाता है, 44 कम होता है, और 44 का स्क्वायर तुमको आता नहीं है, कैसे निकालेंगे? बहुत इजी से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, आपको 54 का निकालना हो, चाहे 52 का निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, बहुत इजी निकालेंगे। आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, तो ये बेस चेंज करना पड़ेगा, टॉपिक ये आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहां पे, अगला जो हमारा हेडिंग होगा, अगला जो हमको क्या करना होगा, हेडिंग चेंज करना होगा, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, 50 से अधिक, क्योंकि सर आप समझ में आपको आ रहा होगा कि अब हमको 54 का निकालना हो, चाहे 52 का निकालना हो, चाहे 56 का निकालना हो, तो 100 से कितना कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि आपको स्क्वायर याद है नहीं। जब अपना याद है नहीं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो फिर हमको हेडिंग तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, तो 50 से अधिक हेडिंग लेंगे, और जैसे निकालना है हमको 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालेंगे, बस वैसे ही निकालेंगे, गौर फरमाएंगे, हेडिंग क्या इस बार 50 से अधिक, तो 50 से कितना अधिक, 2, सिर्फ कितना अधिक है, 2 अधिक है, और 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 2 अंक में लेना होता है, इसलिए हमको 0 बैठाना पड़ेगा, 2 अंक में लेना होता है इसलिए हमको 0 आगे बैठा देना होगा, क्लियर फंडा। लेकिन बात समझना है कि जितना ज्यादा है इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, तो कितना हो गया ये 54। अब ऐसा मत कीजिएगा जैसे कि हम लोग 100 में कर रहे थे कि जो भी आया यहां पर रख देते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 50 से, ये 50 का हेडिंग में चल रहा है, क्या चल रहा है, 50 से अधिक वाला हेडिंग में चल रहा है, तो 50 जो है हमारा, ये 50 जो है, देखिए मेन चीज यहां पे होता है 100, या खेल 100 का है, और ये 100 का क्या है, आधा है, आधा है, तो इसलिए हमको इसको करना पड़ेगा आधा, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27, मतलब 2704 लिखना होगा, 2704। लेकिन आपको एक और आसान तरीका देते हैं, ऐसे ऐसे, जी हां ऐसे कर सकते हैं, और इजी वे में कर सकते हैं, आप ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी कर देते हैं, जिसे बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, कैसे, बात समझिए, यहां पे हमको 52 का स्क्वायर निकालना था, किसका, 52 का, कुछ नहीं, कितना ज्यादा, 50 से 2 ज्यादा है, तो 4 लिखेंगे, और आगे क्या बढ़ेंगे, 0 बैठा देंगे, 04 हो गया हमारा। अब गौर फरमाइए, जो थे क्या करना है कि अब हमको यहां पे कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, 25 लेना है, 50 वाला हेडिंग में हम क्या लेना है, 25 लेना, हमेशा हमेशा 25 लेना है, कितना ज्यादा, ये 52 50 से 2 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा इसमें प्लस कर दीजिए, 25 से 2 27, 25 में, 50 वाला हेडिंग में सिर्फ 25 में जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है आपको, वो प्लस टू करके फिर 1/2 करने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं, इजी से हो सकता है। देखिए और नंबर दिखाते हैं आपको करके, 54 का निकालना है स्क्वायर हमको, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो हमने 16 लिखा है, 2 डिजिट में है, तो इसको 0 बैठाने की जरूरत है नहीं, हमको क्या करना है, ये जो 54 है 50 से 4 ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया 29, 16, कितना आसान है, बहुत इजी, ये तो 100 से भी इजी हो गया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आप देखिए कहीं भी करना चाहे कर सकते हैं, 58 का निकालना है आपको, कोई बात नहीं है, देखना यहां पे कितना ज्यादा, ये 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और ये 8 ज्यादा है ना, 50 से कितना ज्यादा, ये 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, 33 64 33 64, क्लियर फंडा, समझ में आ गया। आगे भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको निकालना है 62 का, कितना ज्यादा, ये 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12, ये 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, आपको लिखना सिर्फ 2 ही अंक है, तो 44 लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 12 ज्यादा है ना, तो हम लोग 25 में जोड़ना है, क्या करना है 25 में, क्योंकि हेडिंग 50 वाला में हम लोग क्या करते हैं 25 में जोड़ते हैं, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 37 हो गया, इधर कैरी भी था हमारा, तो 37 1 38 मतलब 3844 आपका इसका स्क्वायर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ये करते हैं कि सर हमको तो 25 तक याद है, उसके आगे वाला कैसे होगा,
50 का ऊपर समझ में आ गया, 100 से नीचे समझ में आ गया, 100 के ऊपर समझ में आ गया, लेकिन जो 25 तक वो याद है उसके आगे वाला अगर स्क्वायर आता है तो कैसे निकालेंगे? तो हमने कुछ नहीं करना है, बस यहां चेंज कर देना है 50 से कम। जी हां, अब क्या कर देना है 50 से कम, तो 50 से कम का निकालना है। जैसे 48 लेते हैं, 50 से कम है। जब ज्यादा होता है तो ज्यादा वाला का स्क्वायर करते हैं, जब कम होगा तो कम वाला का स्क्वायर करेंगे। कम कितना है ये? 2। सिर्फ कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4। 2 का स्क्वायर 4। अब वन डिजिट में है इसलिए इसको 0 बैठाएंगे, 2। 2 डिजिट में हो गया आपका। अब कुछ क्या करना है यहां पे? देखिए, करने के लिए फिर वही तरीका कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, जो हमने बताया था 25 वाला फॉर्म उसमें कर लीजिए। क्या करेंगे इसमें? 25 वाले फॉर्म में कर लेंगे। जब वहां पे ज्यादा था तो जोड़ रहे थे इसके अंदर, अब कम है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना कम है ये? कितना कम है? 2 कम है तो -2 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 23 हो जाएगा, तो 2304 हो जाएगा। और देखिए फिर से और नंबर निकाल ले आपको। जैसे निकाल लिया आपने 42 का, कितना कम है ये? 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। और ये 8 कम है ना 50 से, 50 से कितना कम है? ये 8 कम है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 25 में 8 घटा देना है, तो कितना बच जाएगा मेरा? ये बच जाएगा 15 में से 8 गया तो 7 बच गया इधर, 1764 हो गया। फंडा समझ में आ चुका है आपको? क्लियर है? एक और नंबर ले लेते, इधर नंबर ले लेते हम यहां 38 का ले लेते। ये कितना कम है? 50 से 12 कम है। कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। लेकिन लिखना तो हमको सिर्फ दो ही अंक में है, लिखना दो ही अंक में ना जी, तो दो अंक लिखना है तो दो अंक लिखेंगे 44। ये हमारा कैरी हो गया। अब कैरी हो गया, क्लियर है? अब देखिए 50 से कितना कम है? 12 कम है, तो 25 में हम लोग क्या करेंगे? 12 कम कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, और ये कैरी था ना, इधर कैरी प्लस कर देंगे, तो कैरी प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 14। ऐसे बहुत इजी वे में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। लेकिन अब मन में एक और सवाल हो रहा होगा कि बहुत बढ़िया सर, अब तो 25 के ऊपर भी हम लोग कर लेंगे, 50 के ऊपर भी कर लेंगे, अब 100 के ऊपर वाली बातों को सोचना है एक बार फिर से कि सर हमको 25 तक स्क्वायर याद है, हमको 25 तक स्क्वायर याद है, हमने 125 तक तो गया, लेकिन जब उसके ऊपर निकालना हो तो कैसे निकालना है? तो बस 2 मिनट का पॉइंट है, बस जान लीजिए। जैसे कि आपने समझा कि 125 तक हमको आराम से हो सकता है क्योंकि हमको 25 तक याद है, और 100 से अधिक वाला हेडिंग में हमारा आगे चल जाएगा। लेकिन बात समझना है कि 152 का निकालना हो, 148 का निकालना हो, 200 के ऊपर निकालना हो, 300 के ऊपर निकालना हो, तो सर कैसे निकालेंगे? जी हाँ, बहुत आसान तरीके से जो हमने आपको सिखाया, बस इसी तरीका से, चेंज कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समझ लेना है कि आगे का नंबर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमने बताया कि मेन आपका जो हेडिंग यहां पे होता है 100 का खेल है, मेन 100 है। अब देखिए 100 से ऊपर जाते हैं तो क्या आएगा? हमारा हेडिंग आएगा 150। यहां हेडिंग का खेल हो रहा था सारा चीज। 100 पे खेला हमने, 50 पे खेला, अब आगे जाना हो, जितना नंबर बड़ा करना है 150 चल जाएंगे, उसके आगे जाना हो तो 200 चले जाएंगे, उससे आगे जाना हो तो 250 चले जाएंगे, उससे आगे जाना हो तो 300 चले जाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे समझना है। सौ से कम में क्या था हमारा? 50 था। बस समझिएगा, जब हमको हमने सिखा रहा था आपको 52 का स्क्वायर निकालना, तो हमने क्या किया था? जितना ज्यादा था उसको उसमें प्लस, जितना ज्यादा था उसको हमने स्क्वायर किया तो क्या आया था? 4। हमने फिर 0 लगाया, और जितना ज्यादा था इसमें जोड़ दिया, और कितना आया था? 54 बाई 2 कर रहे थे, बाई 2 मतलब यहां पर इंटू 1/2 कर रहे थे, जिसे 27 आया था, 2704 हुआ था। लेकिन हमने आपको बहुत इजी तरीका सिखा दिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, 25 में सीधे जोड़, जितना ज्यादा है 25 में ही जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया हमारा? 27 हो गया, और इधर 04 था ही, तो ये मेरा काम हो गया था। लेकिन मेन फॉर्मेट क्या था? यही मेन फॉर्मेट था, तो हमको इसी के अनुसार से आगे काम करना होगा। तो देखिए, ये चीज 1/2 जो आ रहा था वो कहां से आ रहा था? यहीं से आ रहा था। देखिए, हमारा मेन जो होता है ये 100 होता है, ये 50 में जाएंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। ये जो आता है वही यहां पे आके इंटू होता है। जैसे मान लो यहां पे 150 है, 150 है, अब इसको भी 100 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 0 0 चला गया, ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो इसका आ गया 3/2।
टू, हम तो इसमें 3/2 से इंटू करेंगे। अगर 200 का हेडिंग में है, 200 का हेडिंग का काम कर रहे हैं तो इसको 100 से फिर डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, इसमें 2 से इंटू करेंगे। अगर मान लीजिए आगे जा रहे 300 का हेडिंग ले रहे हैं तो इसको भी 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 3 से इंटू कर लेंगे। देखिए हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमको 150 का ऊपर का नंबर निकालना है, 150 से ज्यादा का स्क्वायर निकालना है, जैसे 152 का निकालना है। अब ये इसका हेडिंग क्या चलेगा, 150 से अधिक, 150 से ज्यादा वाला फॉर्म में आ जाएगा, तो कितना ज्यादा 150 से, ये 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 04, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 अंक में लेना होता है इसलिए हमको 0 बैठाना ही पड़ेगा। अब गौर फरमाना है कितना ज्यादा ये 2, तो 2 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहां पे कि 150 फॉर्म में क्या आया था मेरा 3/2, बस यहां पे इसको इंटू कर देना है 3/2, तो 2 से कितने बार में ये होगा 7 और फिर 1 जाएगा कैरी, तो फिर 7 अब गुना कर लेना है, 7 3 21 का 1 2 कैरी हो गया और 7 3 21 और 2 23 23 104। बढ़िया से बस कुछ नहीं करना है, जो इसका हेडिंग है बस गुना कर लेना और कुछ नहीं। एक बार और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको 108 का निकालना है, सॉरी 108 तो कर चुके हैं ना, 158 का निकालना है, 158 का निकालना है, कितना ज्यादा ये 150 से, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया, 64 हो गया, 8 ज्यादा इसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 16 6 कैरी 1, 5 6 हो गया और 166 हो गया। इसका हेडिंग में 3/2 है, 3/2 से इंटू कर देंगे, कितना हो गया ये 8 और 3 हो जाएगा ये, फिर इसको इंटू कर लेंगे 3 से, 3 3 9 और 8 3 24। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए अब 200 से ऊपर निकालने का जो थे, हम निकालना चाहते हैं 200 निकालना चाहते हैं, 204 का निकालना चाहते हैं, तो 100 से कितना ज्यादा ये 4 ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा ये 4 ज्यादा है ना, सॉरी 4 ज्यादा है। अब हेडिंग क्या हो गया मेरा 200 से अधिक, हेडिंग क्या हो गया 200 से अधिक, तो 200 से कितना अधिक है 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 होता है। अब दो डिजिट में तो 0 तो बैठाएंगे नहीं, अब ध्यान देना 4 ज्यादा इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 208 हो गया। लेकिन 200 का हेडिंग में देखिए क्या आया था हमारा, ये 2 आया था, 2 से इंटू कर लेंगे, 16 6 कैरी 1, ये 1 फिर 2 2 4। बस समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है और आगे जाना है तो और कर सकते हैं। जैसे निकालना है मान लीजिए आपको 302 का निकालना है, 302 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट में चाहिए तो हमको आगे 0 बैठाना पड़ेगा, जितना ज्यादा है प्लस कर दीजिए, इतना हो गया ये 304 हो गया। अब देखिए 300 में क्या आता है 3 आता है, गुणे 3 कर देंगे यहां पे, 4 3 12 का 2 कैरी 1 1, 3 3 9। बस ये इसका खेल है, कुछ नहीं करना है, आगे और बढ़ना है तो 400 कर लेंगे एडिंग, बटे 100 कर लेंगे, फिर आ जाएगा 4 हमारा। अगर 350 में लेना है तो 350/100 कर लेंगे, वैसा ही करते जाना है, ये खुद का हाथ का कला है, करते जाइए करते जाइए इधर, और फॉर्मेट एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आगे और भी बढ़िया चीजें सीखने को मिलेगी आपको। तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।